अभी तक। चलिए बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है? जैसे ए सेट आपका है 1 2 3 और बी सेट है बेटा आपका 4 5, तो ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, 1 × a, देखिए ए क्रॉस बी 1 4 1 5, 1 4 1 5, 2 4 2 5, थ्री फोर थ्री फाइव, क्लियर है बेटा? एक क्रॉस बी किसको समझ नहीं आया? खुशबू अच्छा, अब ये टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें? अच्छा देखिए, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे ये देखना है। तो ये टोटल एलिमेंट्स होंगे बेटा, इसमें 3 है इसमें 2 है, तो 3 × 2 यानी 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? किसी को दिक्कत हो तो बताइए बेटा। टोटल एलिमेंट 6 है आपके, ठीक है? सभी को आगे आइए आप। अगर बी क्रॉस ए होता तो बेटा, बी क्रॉस ए होता तो 4 1 4 2 4 3, 4 1 4 2 4 1 4 2 4 3, जिस बार बी के आगे आ जाते 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3, 5 1 5 2 और 5 3। किसी को डाउट है तो बता दे। ए क्रॉस बी क्लियर हुआ, बी क्रॉस ए क्लियर हुआ, आया समझ नहीं आया? श्रीवास्तव नहीं है क्या? आज उसकी आवाज नहीं आ रही। श्रीवास्तव क्या बात है, कैसे नाराज है? मैं बार बार बोल रहा हूं और फिर भी आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। अच्छा अब आ गई, चलो चलो एक्सरसाइज 2.1 शुरू किया हमने, और वो क्यों की है कि उसमें, इसलिए इसमें 2-4 सवाल ऐसे होंगे जो आपकी प्रॉब्लम होंगी, तो उस पर मैंने प्रॉपर्टी समझानी। एक दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास बीच में किसी दिन ले तो दिन में, और आपको सबको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वो ज्यादातर बच्चों को कम समझ आता है, और थोड़ा ऑनलाइन में हमें भी डर लगता है बच्चों को कितना समझ आया, लेकिन मैं समझा दूंगा। पहला ही क्वेश्चन बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का ये है कि आपको ऐसे दे रखे हैं इक्वल x/3+1 और y-2/3 इक्वल टू 5/3, 1/3। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या है, आप x/3+1 यानी कि देखो जो ये होते हैं पेयर्ड एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे से, यानी कि आगे वाला x है ये y है, तो x वाला x वाले के बराबर होगा और y वाला y वाले के बराबर, और ये बेटा y-2/3 इस तक को 1/3। यहां से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे क्या आ जाएगी, x/3, और ये आपका आ जाएगा 5/3 उधर 2/3, x=2 और यहां से y=3/3 करके 1। पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया।
गजल। समझ आया बेटा? नहीं आया? बार बार कह रहा हूं बेटा, अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो आप पर्सनली फोन करके मुझे बता दीजिए, बाकियों के साथ शर्म आती है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि देखो ऑनलाइन हमारे लिए भी एक अपने आप में नया प्रयोग है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरी 100% गारंटी। अब कई बार नेट स्लो है, किसी का माइक काम नहीं कर रहा, वो सारी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। आप मुझे टोकेंगे समझ नहीं आता तो आप नहीं बोलते तो मैं समझ रहा हूं कि समझ आ रहा है, मुझे आगे चलना चाहिए। आज मैं ग्रुप में वर्ड प्रॉब्लम सेंड करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन आएगा, आप कितना ही कर लो और कुछ आने नहीं है पेपर में, बस देखो आगे। पहला सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बेटा इसका एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ए हैज थ्री एलिमेंट। बेटा ए सेट में तीन एलिमेंट दे रखे हैं और बी में दे रखे हैं 3, 4, 5, और बी सेट में 3, 4, 5। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। आपको बताना एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए में तीन एलिमेंट है, बी में तीन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में तीन सीए नौ एलिमेंट होंगे, 3 3 9। नहीं आया समझ? खुशबू अरे बेटा ए में तीन एलिमेंट है, ए के अंदर तीन एलिमेंट है, ए बी सी माले कुछ भी है, और बी में तीन है, तो टोटल ए क्रॉस बी में कितने एन, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसमें मान ले तो तीन एलिमेंट है ये ए बी सी, तो ए क्रॉस बी करोगे तो आप 3 3 9 एलिमेंट आएंगे। अभी तो बताया था जब मैंने ऐसे को बताया था ए क्रॉस बी, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग करिए ज्यादातर बच्चे करना बेटा। जी आपके पास है 7 8, एच आपके पास है 5 4 2। आपको जी क्रॉस एच निकालना है और एच क्रॉस जी निकालिए, करिए आप लोग, आपसे कराना ज्यादातर क्वेश्चन में। करिए बेटा, हो गया कराऊं? हाँ जी, देखिए 7 5 7 4 7 2, 7 4 7 2, 8 5 8 4 8 2, 8 5 8 4 8 2। सेकंड ना कराऊं तो करा देता हूँ, 5 7 5 8, 5 7 5 8, 4 7 4 8, 2 7 2 8। आज सार्थक नहीं है क्या यार? नमस्ते कर लिए अगर तू, एक ही तो मेरा छोरा है, एक लाडला तू आज नमस्ते नहीं करे बता।
बेटा एक बार अपनी प्रेजेंस नमस्ते करके कर लिया करो, थोड़ा ये लगे कि हाँ ये बच्चा आ गया, ये रह गया, नहीं तो दिमाग में रहती है कि ये बच्चा नहीं है। और सार्थक मेहनत कर बेटा, जो चीज नहीं आए पूछ। देखो माँ बाप बड़े परेशान, हाँ माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, उनकी भावनाएं भी समझिए। आओ भाई और देखो बेटा, आप फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास अब आता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर फोर्थ क्वेश्चन अब आया है। ये आपको ये बताना है कि ये ट्रू फॉल्स है। देखो पहला ही क्वेश्चन है आपका, पी सेट में तो एम एन एलिमेंट है, पी में है एम और एन, और क्यू सेट में है आपके पास एन एन। तो पहले मैं पी क्रॉस क्यू निकालता हूं, पी क्रॉस क्यू एम एन एन एन, एक मिनट चुकी मैंने गलती कर दी, एम एन एम एन पहले इससे ले रहा हूं, एम एन और एम एन और एन 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 एम एन एन और एन एम, ये होना चाहिए। उसने क्या दे रखा है देखिए, उसने दे रखा है एम एन और एन एन दोनों, उसने ये नहीं दे रखा और ये नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये इसने जो कह रखा है वो फाल्स है, जो इसने कह रखा है वो फाल्स है। खुशबू हिमांशी रजत नितिन यादव समझ आ रहा, जहां समझ नहीं आए टोक दिया करो, उनका समझ नहीं आया। देखो मैं बुरा नहीं मानता भाई, बुरा जब मैं मानता हूं जब गुड इवनिंग नहीं करते आप, आए नेट खोल कर बैठ जाते हो, ठीक है। अब एक दो को तो ये है प्रॉब्लम है कि सर कहीं पार्टी ना ले ले रिजल्ट की। अब ये सीबू पता है गुड इवनिंग क्यों नहीं करता, इसको ये डर है कि सर पार्टी की कहेंगे है? और पार्टी की कहेंगे तो फिर पैसा लगेगा पापा का, और पापा का पैसा बिल्कुल नहीं बच वेस्ट करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा इसलिए हमारे को नहीं करता। चलिए तुम भी कहोगे सर बोर करते रहते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी अच्छा, चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस लगा दिया करो बेटा, उससे ना हमें ये लग जाता है कि हाँ हमारे बच्चे ये आज की, क्योंकि नए टोन मतलब वो पढ़ाना शुरू करे बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद मैं दोबारा फिर बोलता नहीं था किसी बच्चे को। चलिए आप देखिए समझ आ रहा है यहाँ पर कराया है भाई, टीबू अरे कुछ समझ आया है जो कराया जा रहा है। फोर्थ का सेकंड पार्ट है बेटा, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। देखिए उसने कहा है कि ए सेट बी नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें भी कोई ना कोई एलिमेंट है, ये नॉन एम्प्टी का सिंबल है, और बी सेट जो है ये भी नॉन एम्प्टी, यानी कि ये एम्प्टी का है नॉट इक्वल टू फाइव, फाइव मतलब एम्प्टी नहीं है, ए और बी नॉन एम्प्टी है। Then A cross B is a non-empty. तो बेटा जब दोनों सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा तो ये भी non-empty आएगा, तो ये आपका ट्रू है, कहीं कोई फॉल्स की गुंजाइश नहीं है। उसका सेकंड पार्ट आपका सही है भाई, A में भी कुछ एलिमेंट है B में भी कुछ एलिमेंट है, तो A cross B में कुछ एलिमेंट तो आएंगे, तो एम्पटी नहीं आएगा, खाली नहीं आएगा वो। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इसने दिया है, ए सेट में दे रखा है इसने वन टू, ए सेट में दिया है हमें वन टू, और बी सेट में देता हमारे पास थ्री फोर। ए सेट में वन टू है, बी सेट में थ्री फोर है, तो अब आपको क्रॉस करना है। उसने कहा है भी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव। देखिए बेटा
ये एम्पिटी सेट का सिंबल है बेटा, ये जो है ना ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब है एम्पिटी सेट। एम्पिटी का मतलब होता है इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। और छोटी सी बात मैं और बता दूं, जैसे ए मान ले 1 2 3 है और बी आपके पास है 3 4 5, तो ए क्रॉस बी आपका बेटा ये आएगा क्रॉस, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में है वो इंटरसेक्शन। ए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में है। खुशबू तेरे लिए समझा रहा हूं बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो बाकी बात बताइए। अभी भी थोड़ा ही आया। एम्प्टी सेट क्या होता है, समझ आ गया? एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कुछ नहीं है, खाली है। और ए क्रॉस बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है, तो ए अभी किया नहीं है बेटा मैंने थर्ड पार्ट, ये तो साइड की बातें आपको बताने के लिए किया है, ये थर्ड पार्ट समझाने के लिए ये बात समझा रहा हूं। तो देखिए आप, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बेटा बी इंटरसेक्शन 5, बी में और 5 में, ए बी का मतलब ये और 5, इसमें से क्या कॉमन है बताइए मुझे आप। थ्री कहाँ है, 5 के साथ, यहां तो कुछ है ही नहीं, और ये बी इंटरसेक्शन 5, बी और 5 में इंटरसेक्शन कॉमन, कुछ भी नहीं है बेटा। नहीं आया समझ में? और बेटा 5 के साथ किसी का भी क्रॉस लेंगे, जब उसमें एलिमेंट ही नहीं है तो क्रॉस में क्या एलिमेंट आएंगे, कुछ भी नहीं आता 5, तो यानी कि आपका ये रिजल्ट ट्रू है। ये मैंने आपको, ये आपको बताने के लिए बताया था साइड वाला। आया समझ नहीं आया? ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट बात बता। मैं इसकी पिक्चर आपको भेज दूंगा बाद में, मेरे को याद दिला दिया करो, कल वाला भी शायद ना भेज पाया हूं, कल वाला नहीं भेजा ना ग्रुप में बेटा, मुझे याद दिला दिया करो, मैं भूल जाता हूँ कई बार, इधर उधर की समस्याओं में ना उलझ के रह जाता हूँ, मुझे याद दिला दिया करो सर, होमवर्क सेंड कर लो, एक्चुअली रिकॉर्डिंग के चक्कर में रह जाता है थोड़ा। अरे पावर बैंक भेजना, पावर बैंक। अब देखिए बेटा, अब फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर आता है ये, अब फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर आता है ये -1 1, ये आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है। स्क्रीन पे नहीं आ रहा? अरे स्क्रीन पे कहाँ जाना है, अब ये हम बदल देंगे इसको, स्क्रीन पे कैसे नहीं आएगा। अब आपको निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, यानी कि 3 बार क्रॉस, पहले तो आप ए क्रॉस ए निकालिए, ए क्रॉस ए, तो ए को दोबारा लिख लीजिए आपको, ताकि दिक्कत कम से कम आए, थोड़ा दिक्कत आए तैसे लिख लिया करो, ए क्रॉस ए, देखिए क्या बन जाए, -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1।
देखिए बेटा। एक रो से क्लियर हो गया आपको। अब आपको निकालना है एक क्रॉस ए का ए के साथ क्रॉस, यानी कि आप देखिए पहले तो आप अपना ए लिखिए, ये ए क्रॉस ए लिखिए, ये आपका ए क्रॉस ए है। अब इसका क्रॉस निकालना है आपको ए के साथ, तो देखिए ध्यान से देखना ए, अब ये दो एलिमेंट है ना, तीसरा ऐड हो जाएगा इसके साथ, ये -1 1 और फिर -1। अब इसके साथ ये जाएगा सेकेंड एलिमेंट के पास -1 1 1, पहला पेयर चलेगा एक बार इसके पास और एक बार इसके पास, तीन बन जाएंगे। अब अगला पेयर जाएगा इसके पास -1 1 -1, अब नेक्स्ट पेयर जाएगा -1 1 और 1 लगा दी क्वेश्चन। अगला पेयर ये वाला चलेगा 1 -1 1 -1 के साथ -1 और 1 -1 के साथ 1 -1 के साथ 1। अब आखिरी पेयर ये चलेगा 1 1 के साथ 1 1 के साथ -1 और 1 1 के साथ 1। किसी को दिक्कत है तो मुझे बता दे, नहीं आया समझ तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। देखिए कुछ बच्चे दिख नहीं रहा, अभी देखते हैं, अभी देखता हूँ बेटा मैं थोड़ा सा। यार उसमें रखू तो फिर, चलो आप देखो तुम्हें देखो, ठीक है आप देखो। गजल आ रहा है मेरी बेटी, समझ गजल कितनी प्रॉब्लम आ रही है समझने में। अब बेटा डर ये है कि इस महामारी ने हमें ऐसा कर दिया कि नो कहोगे दोस्तों के घर जाने में, घर दोस्तों को बुलाने में भी दिक्कत आने लगी, कोई मिलने वाला भी आ जाता है ना तो ये डर लगा रहता है कहीं कोरोना ना लिया, लेकिन ये हालात हो गए।